एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बताने वाला पैंट प्लाजो में पॉकेट लगाना। पैंट प्लाजो में बहुत आदमी को पॉकेट लगाने में नहीं होता, इसलिए आज मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए पहले क्या, जिस तरह पैंट की कटिंग होती है कर लेंगे, उसका ये बैक का जो पल्ला रहेगा उसका कपड़ा उसको रख देंगे, छोड़ देंगे। फ्रंट का जो रहेगा उसको लेंगे और ये 4 इंच निशान लगाया जिसमें रबर लगेगा उसके लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसके नीचे 8 इंच का निशान लगाएंगे जहाँ पे वो पॉकेट फिक्स होगा। इस तरह से इसको निशान लगा देना है। उसके बाद पॉकेट की कटिंग कर लिए, जिसके इस तरह से पहले पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। पॉकेट की कटिंग करने के बाद ये पॉकेट की कटिंग है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो रहेगा मेरा प्लाजो का पल्ला उसको भी सीधा रखना है और पॉकेट का जो पल्ला रहेगा उसको भी सीधा रखना है। और जहाँ पर निशान लगाए रबर का निशान लगाए थे फिर वहाँ और उसके नीचे 8 इंच के जो निशान लगा वहाँ दोनों को सीधे रखते हुए इसको क्या करना है, इस एक सिलाई दे करके पहले इसको निकाल लेंगे। इस तरह से इसको निकालना है, उसको सिलाई दे करके निकाल दोनों जो रहेगा उसके फ्रंट पार्ट जो रहेगा उसी पे इसको लगाना है और ये दोनों तरफ से ये सीधा रहेगा। इस तरह से उसको सिलाई दे करके पहले निकाल लेंगे और दोनों कपड़ा इसमें सीधा रहेगा। अब क्या करें, जब इस तरह से निकल जाएगा तो फिर ये जो कपड़ा रहेगा इसको अंदर की साइड कर देंगे और उसके बाद ऊपर से सिलाई दे देंगे। इसको पहले अंदर कर देंगे, अंदर पलटने के बाद क्या करें ऊपर से इसको स्टिचिंग कर देना। स्टिचिंग करने के बाद ये क्या हो, ये बैठ जाएगा। बैठने के बाद इसको देखिए इस तरह से पहले क्या करेंगे, एक बार स्टिचिंग करके इसको निकाल देंगे। अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए इस तरह से क्या करना है, इसको सिलाई को एकदम बैठाते हुए उसको निकाल देना है। वो जो कपड़ा रहेगा पॉकेट वाला जो कपड़ा रहेगा उसको पूरी तरीके से अंदर कर देना है और ये उसके फ्रंट ऊपर से उसको सिलाई दे करके अच्छे से निकाल देना है। इस तरह से इसको पहले निकाल देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से इसको एकदम फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई देंगे, जैसे चाकू बनाते हैं इस तरह से इसको ये निकाल देंगे। देखिए ये हो गया ऊपर का सिलाई। अब क्या करना है, अंदर से इसका सिलाई करना है। अंदर से क्या करेंगे, देखिए ये होगा और हम लोग उल्टा करके कपड़ा जो रहेगा पॉकेट वाला उसको उल्टा कर देना है। इस तरह से जो बना रहेगा यहाँ से लिख के वहाँ जितना खुला रहेगा पॉकेट जहाँ तक नहीं लगा रहेगा ऊपर के कपड़ा से स्टिचिंग नहीं बैठता भी खुला रहेगा उसको सिलाई दे रहेगा। नीचे से जितना खुला रहेगा उसको इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से क्या करना है, इसको स्टिचिंग कर देना है। स्टिचिंग करने के बाद ये इस तरह से स्टिचिंग हो जाएगी, इसकी एकदम स्टिचिंग के साथ धीरे धीरे सही से करना है। ये होने के बाद इसको क्या करेंगे, इसे डबल सिलाई चला देंगे। डबल सिलाई करने से क्या होगा, ये मजबूत है, जल्दी फटेगा नहीं। ये एक सिलाई देने पर क्या होता है, सिलाई खुल जाता है और जल्दी फट जाता है, इसलिए क्या करेंगे इसको स्टिचिंग दे देंगे। डबल सिलाई दे करके इस तरह से इसको निकाल देंगे। उस तरह से निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। पहले इसको निकाल देना है। निकालने के बाद इसको पॉकेट को सीधा करेंगे। पॉकेट को सीधा करने के बाद सीधा कर देना, इसका नोक ही रहेगा नहीं निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, छोटा वाला पेचकस ले करके इसको घुसा करके अच्छे से इसको निकाल देना है। निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से हो गया और ये इस तरह इसका पॉकेट हो गया तैयार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो ऊपर से खुला हुआ है तो वो कैसे करना था। अब देखिए मैं बताऊँगी कि इसको स्टिचिंग कैसे करना है। देखिए पहले ये हो गया, इसको एकदम बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद इस तरह से और उसको ऊपर में जो देख रहे खुला हुआ भाग इस पर इसको सिलाई चला देना है। इस पर सिलाई चला करके इसको निकालेंगे। पहले क्या करें, इसको बराबर करेंगे। बड़ा होता है यहाँ पे कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा तो उसको बराबर करते हुए इसको निकालना है। सिलाई करके पहले इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। देखिए धीरे धीरे इसकी स्टिचिंग हो रही है और अच्छे से पहले बैठा देना और 4 इंच का पका हुए तो 4 इंच के इसको बराबर करेंगे, यानी कि ऊपर लगा देंगे। तो फिर रबर लगाएंगे तो ये पॉकेट जो हमारा रबर में चला जाएगा तो पॉकेट छोटा हो जाएगा। इसके लिए इतना कपड़ा जो छूटा हुआ तो ये कपड़ा ये जो रबर लगेगा तो उसके लिए है। जब रबर लगेगा तो ये होगा हो जाएगा, नहीं तो अगर ऊपर से लगाएंगे इसको पॉकेट ये छोटा हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, इसको सिलाई देकर इसको निकालना है। इस तरह से निकाल देंगे। अब देखिए ये हमारा पॉकेट हो गया तैयार। उसके बाद इसमें पल्ला लगाना है। पीछे का वो कैसे लगेगा वो मैं बताऊंगी। देखिए इस तरह से पॉकेट हो गया ये तैयार।
देखिए कितनी फिनिशिंग से हुआ, और देखिए इसका पॉकेट हो गया, इसमें इस तरह से आप कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जिस कस्टमर का था उनका डिमांड था कि इसमें दोनों साइड पॉकेट चाहिए, तो मैं जिस तरह से फ्रंट में पॉकेट लगाए उसी तरह से मैं बैक में भी पॉकेट लगा दूँगी। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। से इस साइड का भी पॉकेट हो गया था, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका दोनों साइड के पॉकेट चाहिए इस तरह से। और इसमें पीछे का पल्ला ज्वाइंट करना है वो देखना है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि वो किस तरह से लगेगा, क्योंकि तो बैक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और दूसरे साइड पीछे वाला पल्ला जो है तो उसको बीच वाली तो स्ट्रेचिंग कर ही लेंगे। और इस तरह से क्या करना है, इसको ऊपर रखना है, ऊपर रखेंगे इस तरह से। और देखिए हम लोग यहाँ पर से पहले ऊपर से सिलाई देंगे, जितना नहीं इसमें पॉकेट लगा रहेगा उसको सीधा सिलाई देकर निकालना है।
उसका जब वहाँ पे आएंगे तो पॉकेट वाली स्टिचिंग होगी एक साइड में, तो उसको छोड़ देंगे, उसको अंदर कर देंगे, इस तरह से अंदर कर देंगे। उसके बाद जो जो सिलाई नहीं हुई है नीचे का पॉकेट वाला पल्ला, उसके क्या करेंगे ऊपर वाले पल्ले से सिलाई भी करके निकालेंगे। और नीचे देखिए जिस तरह में पकड़ी तो उसको यहाँ पर क्या होता है लूज कपड़ा, अगर लूज देंगे तो वो कपड़ा जो क्या होता है पॉकेट सही नहीं लगता, वहाँ पर घुघी का बन जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है पहले नीचे आप छोटा मशीन भी यूज़ कर सकते थे ना सकते हैं, तो अगर आप उसको प्रैक्टिस हो वो डायरेक्ट आप बना भी सकते हैं। इस तरह से ये हो गया। और ये नीचे का जो पार्ट हो ऊपर वाला जो रहता है इसको सिलाई रहता है उसको मैं अंदर के साइड कर दूँगी, और नीचे वाला पार्ट जो है उसमें मैं सिलाई देती हूँ स्टिचिंग। इस तरह से जाएंगे, इस तरह से स्टिचिंग दे करके उसको निकाल देना है। देखिए इसी तरह से धीरे धीरे स्टिचिंग करेंगे इस तरह से इसको स्टिचिंग करते हुए निकालना है। यहाँ देखिए मेरा पॉकेट लग गया, यहाँ पे मैं सुई का यूज़ की हुई थी, सुई वहाँ पे लगाई हुई थी। सुई निकालने के बाद फिर मैं इसको नीचे में जितना रहेगा उसको बराबर सिलाई दे करके उसको निकाल देंगे। देखिए इस तरह से निकलेगा, इसी तरह से सिलाई देते हुए पूरे में निकाल देना है। और मैं देखिए इस तरह से चेक कर लूँगी कि यहाँ पे जो भी जैसा नहीं बनाना है। देखिए ये कितना अच्छा कितना फिनिशिंग के साथ ये पॉकेट तैयार हुआ है। इसी तरह से इसको तैयार करते हुए हम अब क्या करेंगे, नीचे का जो रहेगा तो पॉकेट हो गया, अब जिस तरह से नॉर्मल में सिलाई देते हैं इसी तरह सिलाई दे करके निकाल देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से उसको सिलाई देंगे और इसी तरह दूसरे साइड में भी इस तरह से सिलाई देते निकालेंगे। दोनों साइड तरह सिलाई दे देंगे, उसका देखिए हमारा पॉकेट हो गया तैयार। ये इसका इस साइड का पॉकेट हो गया राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड का दोनों साइड का ये पॉकेट हो गया। अब इसकी क्या करेंगे फिटिंग कर देंगे, उसका भी मैं रेडी हो गया।